हेलो दोस्तों, आपका आरएस क्लासेस बांदीकुई में स्वागत है। हम दोस्तों कक्षा 8 का पाठ 4 दहन और ऊर्जा के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा उस न्यूनतम ताप को जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है और जलने लगता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया सिलाई की तिल्ली के सिरों सिरे पर लगने वाले लगने वाले दो रसायनों के नाम लिखो। लिखो। तो पहला है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, और दूसरा है पोटेशियम क्लोरेट। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ का
जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है, ज्वलन ताप कम होता है और जो जो ज्वाला के साथ जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, श्वेत धन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, श्वेत धन श्वेत धन किसे कहते हैं? श्वेत धन किसे कहते हैं? श्वेत धन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऐसा धन जिसमें ऐसा धन जिसमें पदार्थ पदार्थ किसी ऐसा धन जिसमें पदार्थ किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे श्वेत धन कहते हैं, उसे श्वेत धन कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बंद कमरे में कोयला जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए, तो इसमें लिखेंगे, बंद कमरे में कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कोयला जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देती है जो जहरीली होती है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी दो गैसों के नाम लिखो, तो इसमें पहला लिखेंगे
सल्फर, सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। दूसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड NO2। तो अगला क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 8। वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता वैश्विक उष्णता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 9। जलने के लिए उपयोगी तीन बातें लिखिए। तो पहली है ज्वलनशील पदार्थ। दूसरा है ज्वलनताप। और तीसरा है ऑक्सीजन। अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा क्या है? तो इसका आंसर होगा सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव लिखिए। हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो इसमें पहला लिखेंगे, ये फसलों को नष्ट कर देती है।
दूसरा हानिकारक प्रभाव मृदा को अम्लीय बना देती है, तीसरा पॉइंट, अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव नष्ट हो जाते हैं, तो जीव नष्ट हो जाते हैं जीव नष्ट हो जाते हैं हो जाते हैं अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे, पहला हानिकारक प्रभाव श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। और दूसरा लिखेंगे, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस निकलती है, जिससे कमरे में सोए व्यक्ति की मौत सोए व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखेंगे, दहन तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे तीव्र दहन, दूसरा लिखेंगे श्वेत दहन, तीसरा लिखेंगे विस्फोटक दहन।